डियर स्टूडेंट, मैं संजय खान और हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश में सबसे तीन जो इसके मेन जो प्रिंसिपल्स है इंग्लिश टीचिंग को लेकर, उसमें से हम पिछले के वीडियो में दो प्रिंसिपल्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला जो प्रिंसिपल था हमारा था प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, दूसरा जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है, और क्वेश्चन के लिहाज से अगर एग्जाम को अगर मद्देनजर अगर देखा जाए तो जितने इंपॉर्टेंट सिलेक्शन और ग्रेडेशन है उतना ही इंपॉर्टेंट रखेगा हमारे लिए प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन रखेगा। तो आज हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। तो सबसे पहले ये होता है कि इंग्लिश में हम जब टीचिंग करवा रहे हैं तो जैसे हमने सिलेक्शन और ग्रेडेशन पढ़ा था उसमें भी हमने देखा था कि ये जो प्रिंसिपल है ये इंग्लिश टीचिंग के लिए क्यों नेसेसरी है। मतलब जब हम इंग्लिश के वी आर ए टीचर ऑफ इंग्लिश, तो हम देख रहे हैं कि भी जो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का ये जो प्रेजेंटेशन है ये क्यों जरूरी है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, तो व्हाई इट इज नेसेसरी वो देखते हैं क्यों है। तो जब सबसे पहले हमने क्या किया था, आफ्टर सिलेक्टिंग एंड ग्रेडिंग किया था लैंग्वेज मटेरियल को। ठीक है, किस जो हमारा पर्पस क्या था, लैंग्वेज को हमें स्टूडेंट में टीच करवाने का पर्पस था। ठीक है, तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, आफ्टर सेलेक्टिंग एंड ग्रेडिंग लैंग्वेज मटेरियल, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखनी है। प्रिंसिपल ऐसे भी आ सकता है कि प्रेजेंटेशन जो है, जो प्रेजेंटेशन का प्रिंसिपल है ये कब काम में आता है, व्हेन डू वी यूज द प्रेजेंटेशन इन इंग्लिश टीचिंग। तो आपको याद रखना है ये होता है आफ्टर सेलेक्टिंग और ग्रेडिंग के, लैंग्वेज मटेरियल का सिलेक्शन और ग्रेडेशन करने के बाद होगा। उसके बाद क्या करना पड़ता है, द टीचर हैज टू प्लान, एक अध्यापक को एक प्लान बनाना है। ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग, जो स्टूडेंट्स की नीड है, जो स्टूडेंट्स का लेवल है उसके हिसाब से प्लान बनाना है। तो इसमें क्या करेगा, ए टीचर हैज टू प्लान, हैज टू प्लान, प्लान बनाएगा किसका, अपने लेसन्स का, हिज लेसन्स अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे हमारे कक्षा में जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट का कक्षा स्तर क्या है, उनका लेवल क्या है, इस लेवल को ध्यान में रखते हुए क्या करेगा टीचर, अपना प्रेजेंटेशन उनको करवाएगा। कई जो ये प्रस्तुतिकरण जो प्रेजेंटेशन है, कई बार ऐसे देखते हैं कि प्रेजेंटेशन हमारा उतना स्किलफुल नहीं होता है, उतना अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण स्टूडेंट्स है वो लर्निंग बेहतर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है, हमें ये ध्यान रखना है हमारे स्टूडेंट का लेवल क्या है, अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ स्टूडेंट, यानी विद्यार्थियों का स्तर क्या है, उनके स्तर के हिसाब से उनका क्या होना चाहिए, प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो ये उनके दिमाग में हमेशा याद रखनी है। दूसरी है, जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन करते समय, प्रेजेंटेशन करने से पहले आपका एक एम है, आपका एक उद्देश्य है। ठीक है, तो जो टीचर होता है, द टीचर विल कीप इन माइंड द एम्स एंड स्किल, को वो अपने माइंड के अंदर रखेगा। तो टीचर विल कीप इन माइंड, वो अपने माइंड के अंदर रखेगा, विल कीप इन माइंड द एम्स एंड स्किल्स, एम्स और स्किल्स को वो अपने माइंड के अंदर रखेगा कि मेरे स्किल्स क्या है और जो एम्स क्या है, जो कि स्टूडेंट्स को क्या करवाना है अपने पर्टिकुलर नेशन के माध्यम से, उनमें उद्देश्यों की पूर्ति करवानी है, उनमें स्किल को डेवलप करवाना है। ठीक है, तो वो स्किल जो है वो विच आर टॉट, जो पढ़ाया जाना है, विच आर टॉट थ्रू ए पर्टिकुलर लेसन, एक लेसन के माध्यम से उनमें जो स्किल्स और जो एम्स है वो उनको जो डेवलप करवाना है वो अपने माइंड में एक अध्यापक है वो रखेगा। उसके बाद में आफ्टर प्लानिंग द लेसन, लेसन का हमने प्लान कर लिया है,
उसके बाद में सबसे जो नेसेसरी और इम्पोर्टेंट जो स्टेप होता है वो होता है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ टीचिंग का होता है, ठीक है। तो आफ्टर लेसन प्लान बना लिया है आपने, तो आफ्टर लेसन प्लान बनाने के बाद आफ्टर प्लानिंग द लेसन ध्यान रखना है, लेसन का प्लान करने के बाद है कि आफ्टर प्लानिंग द लेसन द नेक्स्ट नेसेसरी और इंपॉर्टेंट जो स्टेप है द नेक्स्ट नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट स्टेप द नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट जो स्टेप जो हमारा रहने वाला है इज द प्रेजेंटेशन ऑफ टीचिंग। यानी टीचिंग का हमें क्या कराना है, प्रेजेंटेशन करवाना है, सिलेक्शन हो गया है, लेसन प्लान हमने बना लिया है, किन के सामने कराना है टीचिंग का, वो है बिफोर द स्टूडेंट, बिफोर द स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों के सामने हमें प्रेजेंटेशन देना है, ठीक है। अब जो विद्यार्थी आपने सबसे पहले सिलेक्शन लिया, ग्रेडिंग कर लिया, लेसन प्लान बना लिया, अब बारी आती है जो मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो है स्टूडेंट में लर्निंग करवानी। और एक टीचर है वो स्टूडेंट में लर्निंग कब करवाएगा, वो करवाएगा अपने लैंग्वेज मटेरियल की प्रेजेंटेशन के माध्यम से, ठीक है। वो अपना प्रेजेंटेशन देगा स्टूडेंट को, तो फॉर द टीचर जब एक अध्यापक के रूप में हम अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के सामने जब हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी, जो हमारे लिए हमेशा वो साथ रहने वाली चीजें हैं, तो फॉर द इसके लिए एक अध्यापक क्या करेगा, कुछ टीचिंग जो एड्स है उनको भी काम में ले सकता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारे सामने आता है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि इन निम्न में से विच आर द फॉलोइंग टीचिंग मटेरियल या विच आर द नॉट टीचिंग मटेरियल, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो फॉर द टीचर जनरली use teaching aids, the teacher use some teaching aid during his प्रेजेंटेशन। टीचर है वो प्रेजेंटेशन के दौरान क्या करता है, कुछ टीचिंग एड्स को क्या करता है, यूज करता है, जिससे उसका टीचिंग का जो प्रेजेंटेशन है वो बेहतर हो जाए, ठीक है। हम सब चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के अंदर लर्निंग बेहतर हो, इसके लिए कुछ टीचिंग एड्स को भी क्या लिया जाता है, काम में लिया जा सकता है। तो उनमें से जो टीचिंग एड्स है, जो जनरली जो टीचर टीचिंग की जो एड्स है उनमें इंक्लूडिंग क्लासरूम जो है, क्लासरूम की एक्टिविटी है, टीचिंग एड्स की बात कर रहे हैं, तो टीचिंग एड्स में आप देखेंगे स्टूडेंट्स कौन सी टीचिंग एड्स है वो एक प्रेजेंटेशन में जनरली काम में लेता है, एक टीचर है वो लेता है। ऑर्डिनरी क्लासरूम की जो इक्विपमेंट्स है इनको हम एड्स की जगह, जो हमारे एड है उनकी जगह हम कह सकते हैं, इक्विपमेंट भी कह सकते हैं, ये नाम आपको ध्यान रखना है वोकैबुलरी के लिहाज से, क्यों हो सकता है एग्जाम में इक्विपमेंट्स आ जाए टीचिंग एड्स के स्थान पर, ठीक है। तो वो कौन सी है ध्यान देंगे, वो है चौक। चौक वी ऑल आर नोन अबाउट द चौक, क्योंकि चौक एक बहुत ही जनरली थिंग है। तो चौक है, डस्टर है, चार्ट्स है, पिक्चर्स है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड है, पेंटिंग्स कर सकता है ब्लैक बोर्ड पे, तो एटसेट्रा, ये जो सारी चीजें हैं ये हमारी जनरली काम में आने वाली क्या है, टीचिंग एड्स है, यानी टीचिंग के इक्विपमेंट्स है। ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ए टीचर कैन टेक द हेल्प फ्रॉम दीज लर्निंग टीचिंग मटेरियल्स, ताकि उससे अपना प्रेजेंटेशन को हम बहुत ही बेहतर बना सकते हैं, ठीक है।
तो ये तो है कि जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो क्यों आवश्यक है, टीचर्स को क्या करना है प्रेजेंटेशन के लिए, तो वो चीजें हमने यहाँ पे देखा है कि वो टीचिंग एड्स की हेल्प ले सकता है। प्रेजेंटेशन करने से पहले वो ये चीज ध्यान में रख सकता है कि मैं प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूँ तो सबसे पहले मैं अपने मटेरियल को सिलेक्ट किया है या ग्रेडेड किया या नहीं है। अगर उसका मेटा सिलेक्टिंग और ग्रेडिंग नहीं किया हुआ है तो उसका प्रेजेंटेशन स्किल नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने आपको पहले दिन एक बात बताई थी, वो ये थी कि जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश है ये एक स्पेंस में चलते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन होगा, फिर ग्रेडेशन होगा, फिर प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, तो आप प्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, एक बार रिकॉल करवाता हूँ। ए टीचर हैज टू प्लान हिज लेसंस अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लेवल के अनुसार है वो एक लेसन प्लान को क्रिएट करता है, लेसन प्लान का निर्माण करता है, टीचर उसका फॉर्मेट करता है ताकि वो उसके लेवल के हिसाब से स्टूडेंट को टीचिंग करवा सके और एक बेहतरीन उनके सामने एक प्रेजेंटेशन हो। अगला है, टीचर विल कीप इन माइंड द एम्स एंड स्किल्स व्हिच आर टॉट थ्रू ए पर्टिकुलर लेसन। कोई भी हम लेसन पढ़ाएं तो उस लेसन को पढ़ाने के पीछे हमारा एक उद्देश्य होता है, हमारा एक एम होता है, हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है कि इस लेसन के माध्यम से हम स्टूडेंट्स के अंदर कौन सी चीज को डेवलप करना चाहते हैं। जरूर, और जो एम होता है, जो हमारा स्किल्स होती है, वो जो स्किल को हम डेवलप करवाना चाहते हैं स्टूडेंट के अंदर, तो वो चीजें हमें बहुत ही याद रखने की आवश्यकता रहेगी। नेक्स्ट है, आफ्टर प्लानिंग द लेसन द नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट स्टेप इज द प्रेजेंटेशन ऑफ टीचिंग बिफोर द स्टूडेंट। क्योंकि ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर प्लानिंग करने के बाद, किसी लेसन को प्लान करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा प्रिंसिपल होता है, तो आप बता सकते हैं कि लेसन प्लान के बाद कौन सा होता है। क्योंकि अगर आपने लेसन बनाया है तो आपने सिलेक्शन और ग्रेडेशन के आधार पे बनाया है। विदाउट सिलेक्टिंग एंड ग्रेडिंग द मटेरियल वी कांट मेक ए लेसन प्लान, और आफ्टर मेकिंग द लेसन प्लान वी हैव टू प्रेजेंट दैट लेसन बिफोर द स्टूडेंट, बाद में हम स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करना है। द टीचर यूज सम टीचिंग एड्स ड्यूरिंग हिज प्रेजेंटेशन, अपने प्रेजेंटेशन के दौरान एक टीचर है वो कुछ लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, लर्निंग टीचिंग लर्निंग जो एड्स होती है, टीएलएम जो होती है, शॉर्ट फॉर्म इसकी टीएलएम होती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल इसे कह सकते हैं। तो ये जो टीएलएम है वो अपने टीएलएम को काम में लेता है, क्यों लेता है, टू मेक हिज प्रेजेंटेशन इफेक्टिव, टू मेक हिज टीचिंग लेसन प्लान इफेक्टिव। अपने जो प्रेजेंटेशन है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए वो क्या करता है, इनकी हेल्प लेता है। तो ये था इसका जनरल सा थिंग मैंने आपको बताया। उसके बाद में है कि एक टीचर को, द टीचर मस्ट नोटिस व्हाइल प्रेजेंटेशन, अब बारी आ गई, ए टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, अब क्लासरूम में लेसन प्लान उसके हाथ में, अब स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करना है, तो कौन सी चीजों को वो ध्यान में रखेगा ताकि उसका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा हो, तो वो है जो हम देखते हैं पढ़ते हैं। The teacher must notice while presentation. प्रेजेंटेशन करते समय एक टीचर को क्या चीज नोटिस करनी चाहिए, वो चीज होनी बहुत ही आवश्यक है, अदरवाइज ए टीचर वुड बी फेल इन हिज टीचिंग, कि वो अपने असफल हो जाएगा अपने टीचिंग में, स्टूडेंट्स विल नॉट गेट, स्टूडेंट उसको नहीं सीखेंगे, कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो इसको बहुत अच्छा मतलब करने के लिए एक टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने प्रेजेंटेशन को बेहतरीन करें, और उसके लिए कुछ एक चीजें हैं वो आइगर एग्जाम के लिए जो अभी मैं बोर्ड पे लिखाने वाला हूँ वो ही परीक्षा के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है। इसीलिए है कि आएगा कि एक अध्यापक है वो प्रेजेंटेशन करवा रहे, तो कौन सी चीजों की आवश्यकता है या कौन सी चीजों की आवश्यकता नहीं है, विच इज नॉट नेसेसरी इन प्रेजेंटेशन, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है प्रेजेंटेशन में कौन सी चीज नेसेसरी नहीं है। तो आप देखेंगे सभी नेसेसरी कौन कौन सी थिंग्स है, तो एक आएगा वो है प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन की अगर हम बात करते हैं, प्रोनंसिएशन होता है उच्चारण, ठीक है, तो जो उच्चारण है वो क्या है कि जब हम
पढ़ते हैं, कोई भी टीचर से हम पढ़ते हैं, तो स्टूडेंट क्या करता है, टीचर की कॉपी करता है, ठीक है। जैसे टीचर से उसको सिखाने की कोशिश करता है, स्टूडेंट भी उसको वैसे ही गेट करने की कोशिश करता है। जब एक टीचर स्टूडेंट को अंग्रेजी के वर्ड सिखा रहा है, ए टीचर आर टीचिंग इंग्लिश वर्ड्स एंड वोकैबुलरी एज वेल, तो वो क्या करता है कि उसके सामने उनको प्रोनाउंस करके उनको बताना पड़ता है, टीचर वो प्रोनाउंस करता है स्टूडेंट के सामने। मान लेते हैं एक बार कि एक टीचर है वो प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग कर रहा है, ठीक है। तो अगर एक टीचर का प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग होता है तो सारे के सारे जो क्लास के स्टूडेंट है वो उस प्रोनाउंसिएशन को, रॉन्ग ही प्रोनाउंसिएशन को लर्निंग में लेंगे, ठीक है। तो वो रॉन्ग लेंगे तो उनका प्रोनाउंसिएशन आगे जाके क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि जब भी आप क्लास रूम में, वेन यू आर टीचिंग द स्टूडेंट्स इंग्लिश, देन यू वुड नोटिस अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, कि आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है। उसके बाद में टोनेशन, टोनेशन आपने नाम सुना होगा, टोन जो साउंड है, ध्वनि है, आपकी टोन कैसी है, आपकी ध्वनि कैसी है, यानी आप किस प्रकार से बोल रहे हैं, आप ऊंचा बोल रहे हैं, नीचा बोल रहे हैं। कई बार हम ऐसे देखते हैं कि टीचर्स आर स्पीकिंग वेरी लो, ठीक है, और उसके बाद में जो पीछे के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसको अच्छी तरीके से नहीं सुन सकते हैं, तो आपका एक करेक्ट टोनेशन होना चाहिए। उसके बाद में एक स्ट्रेस, स्ट्रेस है वो है बलाघात, यानी वर्ड के ऊपर आप किस प्रकार से स्ट्रेस लगाते हैं अकॉर्डिंग टू फोनेटिक एंड स्ट्रेस। स्ट्रेस से ग्रामर के अंदर टॉपिक आता है, उसमें हमें ऐसे सीखने को मिलता है कि कौन से वर्ड्स को हम कहां स्ट्रेस लगाते हैं, कहां उस पर दबाव देते हैं और कहां दबाव नहीं देते हैं, ये होता है हमारा स्ट्रेस। उसके बाद में एक पॉज, पॉज का मतलब होता है रुकना, यानी प्रेजेंटेशन के अंदर आपने देखा होगा प्रस्तुति करने में कि एक टीचर है वो आते ही एक नॉन स्टॉप इस प्रकार से बोलने लग जाता है। मान लो आप, कैन यू इमेजिन दैट हिज लेसन प्लान नीड द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स वाइज, तो स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग, तो विद्यार्थी अच्छे तरीके से उनको प्राप्त नहीं कर रहे, इसीलिए उसको क्या चाहिए, पोज चाहिए। जैसे ही एक सेंटेंस बोलता है एक लिटिल सा पोज लेना होता है, थोड़ा सा रुक जाते हैं ताकि पिछली वाली जो बात जो हमने अभी रिसेंटली कह के छोड़ी है उसको स्टूडेंट आसानी के साथ गेट कर सके, उनको लर्न कर सके, तो ये पोज होना चाहिए। उसके बाद में आर्टिकुलेशन, यानी हम आर्टिकुलेट उसको उच्चारित किस प्रकार से करते हैं, यानी आर्टिकुलेशन यानी मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन को सही से काम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को हम सही से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, यानी उच्चारण करने के स्थानों को हम सही काम में ले रहे हैं या उच्चारण करने के जो तरीके हैं उनको सही काम में ले रहे हैं, तो हमारे जो आर्टिकुलेशन है वो सही है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आर्टिकुलेशन के बाद, वो है एक्सप्रेशन, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ही मस्ट के नेसेसिटी होती है, इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा एक्सप्रेशन, ठीक है। क्योंकि जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए। आपने देखा होगा कि व्हेन यू वॉच द सीरियल एंड मूवीज, तो आपने मूवी और सीरियल देखते हैं तो उनमें आप देखते हैं कि सभी जो उनमें करेक्टर जो उस प्ले में जो प्ले कर रहे हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि सबका अपने अपने करेक्टर के अनुसार से उनका जो एक्सप्रेशन है बात करने का, अपने आप को प्रेजेंट करने का, वो बहुत ही शानदार होता है, इसीलिए उनका जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर पड़ता है। इसी प्रकार एज ए टीचर हमारा भी प्रेजेंटेशन इस प्रकार से हो, हमारा एक्सप्रेशन इतना अच्छा हो ताकि आधी से ज्यादा चीजें स्टूडेंट्स है वो हमारे एक्सप्रेशन के माध्यम से ही आसानी के साथ सीख जाए। तो ये एक्सेट्रा यानी इतनी सारी जो एक्सप्रेशन का मतलब अभिव्यक्ति, हाव भाव, यानी हम अभिव्यक्त किस प्रकार से कर पाते हैं, हाव भाव हमारे कैसे हैं, एटसेट्रा। बिकॉज स्टूडेंट फॉलो द टीचर, क्योंकि स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं, टीचर को फॉलो करते हैं। बिकॉज द स्टूडेंट्स फॉलो द टीचर। नेक्स्ट क्या है, एक चीज तो आप ये ध्यान रखेंगे जब व्हेन यू आर ए टीचर एंड यू मस्ट नोटिस व्हाइल योर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है फॉर एक्सप्लेनिंग द लेसन, अपने लेसन को एक्सप्लेन करने के लिए टीचर इंफेसिस ऑन लाउड रीडिंग, ठीक है, लाउड रीडिंग यानी आदर्श वाचन, सेल्फ और वाचन के ऊपर इंफेसिस करेगा, जोर डालेगा उस बात पे, ठीक है। फॉर एक्सप्लेनिंग द लेसन,
फॉर एक्सप्लेनिंग द लेसन द टीचर emphasis on loud reading में emphasis करेगा। loud reading का मतलब होता है आदर्श वाचन या सहज स्वर वाचन हम कह सकते हैं, ताकि सभी स्टूडेंट को अच्छे तरीके से सुनाई दे और एक अच्छे रिदम के साथ एक अच्छे स्वर के अंदर एक अच्छी आवाज के अंदर रीडिंग उनके सामने प्रेजेंट की जाए, और साथ में वो सॉविंग पिक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट भी काम में ले, शॉपिंग शो करें पिक्चर्स कॉमा ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स को वो शो करें अपने प्रेजेंटेशन के दौरान, ठीक है। एंड एक्शन एंड देयर मीनिंग, और उनके कार्य और उनके अर्थ, एंड देयर मीनिंग। मीनिंग से मतलब है व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग योर लेसन, तो उस लेसन का मीनिंग, उस लेसन का जो भावार्थ है, जो उसका मेन है, वो स्टूडेंट के अंतर्ग्रहण में होना चाहिए, स्टूडेंट उसको आसानी के साथ लर्निंग करे, उनके अधिगम में वो चीजें होनी चाहिए, यानी उनका अर्थ उनको पता चले। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमने अपना चैप्टर, हमने अपना पूरा प्रेजेंटेशन कर दिया, स्टूडेंट्स ने कुछ सीखा ही नहीं, ठीक है। तो क्या करते हैं, उसका मीनिंग स्टूडेंट के दिमाग में आ जाए, स्टूडेंट उसको मीनिंग को अच्छे तरीके से लर्निंग कर ले, कि जो भी टीचर्स के द्वारा पढ़ाया गया है वो एक स्टूडेंट ने अच्छे तरीके से सीख लिया गया है। अब आती है बात टू डेवलप एन एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंड क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है, कि वो डेवलप करता है अपने क्वेश्चन और आंसर को। टू डेवलप एन एबिलिटी यानी योग्यता को क्या करता है, डेवलप करता है ऑफ अंडरस्टैंड क्वेश्चन एंड आंसर। टू डेवलप एन एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंड क्वेश्चंस एंड आंसर, यानी वो अपने क्वेश्चंस और आंसर को स्टूडेंट है वो उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टूड कर पाए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि हम क्लासरूम में क्वेश्चंस पुट कर देते हैं स्टूडेंट के सामने, और स्टूडेंट उस क्वेश्चन को मतलब पता ही नहीं चलता है कि टीचर्स ने मेरे सामने क्या क्वेश्चन रखा है। ये कमजोरी, ये वीकनेस होती है हमारे प्रेजेंटेशन की, क्योंकि जब हमारा प्रेजेंटेशन अगर वीक होता है तो स्टूडेंट क्या करता है, उस क्वेश्चन को अंडरस्टूड नहीं कर पाता है, उस क्वेश्चन को अंडरस्टूड नहीं कर पाता है, इसके बावजूद वो जवाब भी नहीं दे सकता। इसीलिए उनमें एक एबिलिटी को हमें क्या करना है, डेवलप करना है, जिससे वो स्टूडेंट है क्वेश्चन और आंसर को अंडरस्टूड कर ले, यानी उसको अच्छे तरीके से समझने की विकसित, समझने के का विकास उनमें होना चाहिए, समझ विकसित हो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है करेक्शन इन मीटिंग, यानी मिस्टेक्स जो है, सॉरी करेक्शन इन मिस्टेक, यानी जो मिस्टेक्स है उनमें सुधार करना। यानी गलती में क्या करना है, सुधार करना। क्योंकि ए टीचर प्रेजेंटिंग टू द स्टूडेंट एंड स्टूडेंट्स आफ्टर लर्निंग एंड दे आर डूइंग सम मिस्टेक, और वो कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो करेक्शन होना अति आवश्यक है, उनमें क्या होना चाहिए, सुधार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब वो सुधार कर लेता है उनमें जो करेक्शन हो जाता है, ताकि स्टूडेंट उस चीज को अपने जो द्वारा किए गए एरर्स को अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर सके। तो ये है स्टूडेंट की टीचर है वो कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखेगा एक प्रेजेंटेशन के दौरान। सबसे पहले है उसके प्रोनंसिएशन, टोनेशन, स्ट्रेस, पोज, आर्टिकुलेशन एंड एक्सप्रेशन। एग्जाम के हिसाब से देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, विच इज नॉट नेसेसरी फॉर ए गुड प्रोनंसिएशन, ठीक है। और इनके अलावा अगर कोई भी नाम आ सकता है, जैसे मान लो रीडिंग आ गया, तो रीडिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट
वाइल प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में रीडिंग की आवश्यकता नहीं है, प्रेजेंटेशन में स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट्स विल लिसन टू द स्टूडेंट्स केयरफुली, ठीक है, बिकॉज द टीचर बिकॉज द स्टूडेंट्स फॉलो द टीचर, और इसमें क्या करता है कि जो स्टूडेंट है वो टीचर को फॉलो करता है, इसलिए उपरोक्त जो ये सारी जो चीजें अबो जो थिंग्स है विच इज आर वेरी मैंडेटरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर, सो ए टीचर विल कीप इन हिज माइंड. For explaining the lesson, अपने lesson को explain करने के लिए loud reading पे emphasis करना, showing pictures को show करना, object को करना और उनका meaning अब student को बताना. To develop an ability of understand question or answer और correction in mistake, ये सारी चीजें हैं वो अपने presentation में एक teacher है वो रखेगा ताकि उसका presentation बहुत अच्छा हो सके. एग्जाम के हिसाब से जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है वो सारा इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से लर्न कीजिए. और कोई भी अगर इफ यू आर फेसिंग सम डिफिकल्टीज टू टैक दिस प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए. थैंक यू.